रायगड़ा पूर्वतट रेलवाई सहायक मंडल जंत्री कार्यालय सम्मुखे दिनिकिया अनाहार अनशन धर्मघटे धारणा दे बसवाई कार्यरत श्रमिक मान सूचना अनुजाई नूतन पेंशन योजना को विरोध करुवा देखाई नूतन पेंशन योजना व्यवस्था रद्द करी पुरातन पेंशन योजना लागू करा जाऊ बोली दाबी करी धारणा रे बसछंती 2004 पूर्वरु जेऊं कर्मचारी माने चाकरी नियुक्ति पाइछंती सेमानंकु पुरातन पेंशन योजना अनुसारे चाकरी रु अवसर परे सब सुविधा मिलुथबा बेले जेऊं माने 2004 परे जेऊं सब केंद्र सरकार को कर्मचारी चाकरी रे नियुक्ति पाइछंती से माने पुरातन पेंशन योजना रु बात पड़िबे बोली धारणा रे बसछंती दिनिकिया अनशन एवं धर्मघट करबा विक्षोभ प्रदर्शन करिछंती जदि एई सब दाबी केंद्र सरकार कर्णपात न करंती तेबे चक्क बंद करबा पई निष्पत्ति नेछंती। मोना अशोक कुमार पाड़ी एक्शन जनरल सेक्रेटरी ईस्ट कोरल श्रमिक यूनियन दोनल एवं विशाखापट्टनम डिविजन एक्शन डिविजन कोऑर्डिनेटर विशाखापट्टनम कॉलेज आज एठार बस एकम्र आम मुदा जो मैंने 2004 पर एपॉइंटमेंट पाई से पेंशन रे अंतर्भुक्त करो पॉलिसी कराई नुआ पेंशन रो रद्द कर पुराना पेंशन रे सामिल करा कारण आमर जो पेंशन रूल रही रिटायर्ड बल को जो बेसिक पे थी तार 50% आमको पेंशन दि जाऊँ सेम से ही रूल रे नुआ 2004 पर जे माने अपॉइंटमेंट रे समान को मते तय अंतर्भुक्त करा जो पेरो बीवी रमना नेनो सेंट्रल नायकत्वम लो पंच चेस्तुन्नानु असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी जॉइंट जनरल सेक्रेटरी का माको ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन नायकत्वम इच्चिन आदेशाल मेरकु मा जनरल सेक्रेटरी पीके पर्सानी गारी आध्वर्यंलो ई भूख हड़ताल अनेदि चेयडं जरुगुतुंदि ఇది ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే 2004 నుంచి ఏదైతే ఈ కొత్త పెన్షన్ విధానాన్ని అమలు చేయడం జరిగిందో పాత పెన్షన్ విధానం రద్దు చేయబడిందో దానికి వ్యతిరేకంగా ఈ ప్రభుత్వం మీద పోరాటం జరుపుతం జరుగుతుంది మేము 2023 11వ నెల 10వ తారీఖున రామలీలా మైదానంలో పెద్ద సంఖ్యలో ఎన్జేసీ ఆధ్వర్యంలో ఒక ధర్నా చేయడం జరిగింది చాలా సక్సెస్ఫుల్ ధర్నా చేయడం జరిగింది దీనికి కేవలం ఒక యూనియనే కాదు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఎన్ని యూనియన్ల అసోసియేషన్లు ఉన్నాయో అన్నీ కూడా కలిసి ఒక తాటిపై నడవాలని ఎర్రజెండా పిలుపు మేరకు చేయడం జరుగుతుంది ఈ ప్రభుత్వం అప్పటికి దిగిరానప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం మీద ఎంత దూరం అయినా మేము వెళ్ళి చందన్ కుమార్ ఠాకూర్ హై मैं 2017 से जॉब में हूँ। हमें 2004 के बाद जो भी एम्प्लाई रेलवे में आए हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट में आए हैं उनको पेंशन बंद कर दिया गया है। एनपीएस के अंतर्गत रखा गया है। एनपीएस हमारे भविष्य के लिए खतरा है क्योंकि अभी पहले क्या था कि जो ओपीएस में 50% जो पूरा अंतिम सैलरी होता था उसका 50% मिलता था पेंशन के तौर पर, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है प्लानिंग। अभी हमको शेयर मार्केट के माध्यम से जो मार्केट बेस्ड प्लान होता है शेयर मार्केट के माध्यम से जो भी पॉलिसी लाई गई है उसके अंतर्गत हम लोग को रखा गया है और उसका कुछ लेखा जोखा नहीं है कितना हमें भविष्य में पैसा मिलेगा। इसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं, आज भूख हड़ताल पे हैं और क्योंकि भविष्य में कुछ उसका प्लानिंग नहीं है। अभी जो रिसेंटली जो एम्प्लॉय यहाँ रिटायर हो रहे हैं उनको देखा गया है कि 3,350 किसी का कुछ ऐसे मिल रहा है, इसलिए हमारा भविष्य का खतरा दिख रहा है। हमारा सामाजिक सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलेगा भविष्य में, इसलिए हम लोग संघर्षरत हैं और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पे हम लोग और ईस्ट कोस्ट रेलवे श्रमिक यूनियन के आह्वान पे आज हम लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं। रायगढ़ आशुतोष पटनायक की रिपोर्ट, डीओ न्यूज़।